डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन ब्रिज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी, अगर रैखिक बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी हो तो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा। तो बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी के शून्यक के लिए हम इसको जीरो के बराबर करके इसका संगत समीकरण लेते हैं। बहुपद ax प्लस बी के शून्यक के लिए ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, मीन्स चर का वह मान ज्ञात करना है जिससे यह बहुपद जीरो बन जाए, शून्य के बराबर हो जाए, इसलिए इस बहुपद को जीरो के बराबर करके एक संगत समीकरण बनाते हैं। और उस समीकरण को हल करने के बाद चर का जो वैल्यू प्राप्त होता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो प्लस बी ट्रांसफर होगा आरएचएस में, तो साइन चेंज कर जाएगा, माइनस बी होगा, इसका मतलब कि एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, यानी रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, जो रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच का संबंध होगा। यदि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक अल्फा हो तो x बराबर अल्फा होगा, इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, जो रैखिक बहुपद यानी घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध होगा, यानी अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बहुपद 3x प्लस 4 हो तो यहाँ a बराबर 3 होगा और b बराबर 4 होगा, तो इस बहुपद का शून्यक x बराबर होगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस और b की जगह 4 और a की जगह 3, यानी माइनस 4/3 इसका शून्यक होगा इस रिलेशन से। तो एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह है अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसके बाद हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, यानी किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर हो सकती है। तो स्पष्ट है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो हो सकती है। माना कि द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि द्विघात बहुपद का यह सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, जहां a b c बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक मीन्स जीरोज
अल्फा और बीटा हूं, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार फैक्टर थ्योरम के अनुसार x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद P ऑफ x के गुणनखंड होंगे। यानी अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। जैसा कि नाइन्थ क्लास में हमने देखा कि x माइनस ए, जहाँ ये कोई वास्तविक संख्या हो, p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, यदि p ऑफ a बराबर जीरो, यानी कि x बराबर a पर बहुपद का मान जीरो हो। तो चूंकि यहाँ अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, यानी p ऑफ अल्फा भी जीरो होगा, p ऑफ बीटा भी जीरो हो जाएगा, इसलिए फैक्टर थ्योरम के अनुसार x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, अतः x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब इन दोनों में गुणा करेंगे तो यह आएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, तो यहां हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है और यहां हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है। इसका मतलब कि वन बराबर ए होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर वन लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा ये एक्स का कोफिशियंट है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट बी है, तो ये बराबर बी होगा। अगर दोनों तरफ माइनस साइन से हम गुणा कर दें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दो, इसी तरह से यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म सी है, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम समीकरण दो में समीकरण एक से भाग दे देते हैं, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर मीन्स डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। तो डिवाइड करने का मतलब LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू यहाँ माइनस बी ए। इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि पता ही है कि डिनोमिनेटर वन हो, मीन्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो वन मान लिया जाएगा,
माइनस बी बाई ए। इसका मतलब यह हुआ कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, जो कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इसी तरह से समीकरण तीन में समीकरण एक से भाग देने पर समीकरण तीन में समीकरण एक से भाग देने पर तो फिर वही बात LHS में LHS से अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय वन दिस इज इक्वल टू RHSC और यह A। इट मीन्स दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, जो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 ये दोनों समीकरण द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ कि एक्स के कोफिशियंट विथ निगेटिव एक्स का कोफिशियंट विथ निगेटिव साइन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच किस तरह का संबंध होता है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, माना कि P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए बी सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ए जीरो होने की स्थिति में द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी डी में से कोई जीरो हो सकता है। यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद P of x के शून्यक हों तो अभी हमने बतलाया था गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा भी उसके गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यानी फैक्टर थ्योरम यानी स्पष्ट है कि त्रिघात बहुपद है तो इसके अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं, और यदि अधिकतम तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस बहुपद के शून्यक होंगे। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के गुणनखंड होंगे। तब तो निश्चित रूप से इन तीनों का गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, याद रखिए कि यदि इसका गुणनफल उसके बराबर हो तो किसी अचर राशि से गुणा भी कर सकते हैं, तो भी उसके शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कहने का मतलब त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, किसी अचर क्वांटिटी के से गुना कर दें तो उसके शून्यक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। उसी तरह से अब पहले इन दोनों में गुना करेंगे, फिर जितना आएगा इससे गुना करेंगे, मीन्स इन तीनों राशियों में गुना करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये बराबर होना चाहिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैं आपको ये बतला रहा था कि यहाँ किसी अचर के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके शून्यक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यह कहिए कि अचर के इस त्रिघात बहुपद के एक फैमिली को, परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ हम सिंपली ले लेते हैं इसी फॉर्मेट में, इसी प्रारूप में दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो तुलना करते हैं तो यहां x क्यूब का कोफिशियंट ए है और यहां x क्यूब का कोफिशियंट 1 है, मीन्स 1 इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और फिर यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डी है, माइनस इधर लिखना हम पसंद करते हैं, यह तो हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी, यानी माइनस वन से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो प्लस बन जाएगा या माइनस बनेगा, या माइनस वन से भाग देंगे तो भी वही स्थिति होगी। कुल मिला जुला करके फाइनल रिजल्ट किस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और फिर यहाँ इसकी तुलना करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है आपको एक्स का कोफिशियंट और ये है आपको एक्स का कोफिशियंट सी, इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म माइनस अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म डी है अचर पद, फिर माइनस सीन यहाँ से हम भगा देते हैं, अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी, इक्वेशन नंबर 4। अब फिर वही बात, एक एक करके एक बार समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, फिर समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देते हैं, और समीकरण 4 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो भाग देने का मतलब LHS में LHS से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 1, इधर हो गया माइनस बी बाई ए, इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू सी बाई ए।
मीन्स अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों को दो दो शून्यकों को क्रम से दो दो शून्यकों को क्रम से गुणनफल लेने लेकर उनका योगफल लेने पर c बाई ए के बराबर होता है। समीकरण चार में समीकरण एक से भाग देने पर तो समीकरण चार हो गया अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इट मीन्स दैट अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। तो जैसा कि हमने देखा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इसी तरह से चतुर्थ घातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर तो ये भी है, केवल आपको इतना ही जानना है कि रिलेशन क्या है और फिर इस पर आधारित प्रश्न होंगे। अगले क्लास में हम आएंगे और आपको एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का देखेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।